नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का सवाल है क्वेश्चन से इज अ पैलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लेडाइज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट अ डिफ्रेक्शन पैटर्न फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम एट द सेकेंड मिनिमम ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न द फेज डिफरेंस बिटवीन द रेस कमिंग फ्रॉम द टू एजेज ऑफ द स्लेट इज अगेन सवाल सिंपल है देखने में और सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट सवाल आसान है थोड़े से कॉन्सेप्ट बस क्लियर चाहिए अपने को सो so, ये सिनेरियो है कि ये आपकी स्क्रीन है यहाँ पे आपकी छोटी सी स्लिट है और थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं इसे क्लियरली दिखाई दे ये आपकी इंसिडेंट uh, रेज uh, यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ पे एक सेंट्रल मैक्सिमा है उसके बाद यहाँ पे आपके और मैक्सिमास मिनिमास मैक्सिमास यहाँ पे बन रहे सवाल ये है कि जो रेज़ यहाँ से जो वेव फ्रंट यहाँ पर आपका सेकेंड मिनिमा बना रहे हैं आपका ये जो पॉइंट है सेकेंड मिनिमा का पॉइंट और ये जो है आपका सेकेंड मिनिमा का पॉइंट इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है ये हमें बताना है uh, सवाल है एट द सेकेंड मिनिमम ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न द फेज डिफरेंस बिटवीन द रेस कमिंग फ्रॉम द टू एजेस ऑफ द स्लेट नाउ ये बात अपने को पता है कि जब हम इन दोनों पॉइंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका डेल्टा एक्स होएगा वो टू लेमडा होएगा इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वेव uh, जो यहाँ पे आके इंटरफेयर uh, कर रही है उनका पाथ डिफरेंस आपका टू लेमडा होएगा ना इसके इसमें हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस जो कि होता है टू पाई बाय लेमडा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स सो ये फेज डिफरेंस है पार्ट डिफरेंस है टू लैमडा रख के ये हो जाएगा टू पाई बाय लेमडा मल्टीप्लाइड बाय टू लेमडा सो आपका जो फेज डिफरेंस है वो आ गया फोर पाए सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी फोर पाए वुड बी द राइट आंसर